फिर हम बड़ी जो आप कह लें कि क्रॉप स्ट्रेटजिक क्रॉप्स में हम चेंजेस कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक क्रॉप में नंबर वन जो क्रॉप दे रहे हैं हम करार दे रहे हैं वो मकई को दे रहे हैं। हमारी नंबर वन स्ट्रेटजिक क्रॉप होगी मकई, वो इसलिए कि आपके पास 1.5 अरब मुर्गी है, आपकी आपकी जो क्या नाम है ये पोल्ट्री 1.5 अरब है, 1.5 अरब की पोल्ट्री और 9 करोड़ जानवर, और ये बढ़ रहे हैं सालाना 6-7% 5-6-7% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इनके लिए फीड आप पूरी कर ही नहीं सकते जब तक आप यहाँ मकई नहीं उगाते। लाइफ स्टॉक बड़ा सेक्टर है क्रॉप से, आप जब तक इनको फीड नहीं प्रॉपर करते आप अपनी लाइफ स्टॉक ग्रो नहीं कर सकती। लिहाजा आपकी स्ट्रेटजिक क्रॉप नंबर वन जो है मकई करार दे रहे हैं हम, और मकई हम 25 मिलियन टन जल्दी प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। 8 मिलियन एकड़ पे हम इसको लेके जा रहे हैं, इस वक्त 32 लाख एकड़ पे, 32 से हम लेके जाएंगे इसको 80 लाख एकड़ पे जी, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजिक क्रॉप डेफिनेटली गंदम है, गंदम की पैदावार भी हमें बढ़ानी है और ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ानी है। हम समझते हैं कि सालाना बढ़ रही है कोई 2-2.5% के हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसको जल्दी हम ले जाएंगे 35 मिलियन टन पे। 35 मिलियन टन करने के लिए शर्त जो है वो ये है कि इसको काश्त जल्दी किया जाए। काश्त जल्दी से मुराद कि आप वैरायटियां जो लेके आएंगे हम, वो मुंजी की भी जल्दी पकने वाली और काटन की भी जल्दी मेच्योरिंग अर्ली मेच्योरिंग वैरायटीज जो है वो करेंगे जी। तीसरी फसल जो होगी वो होगी हमारी काटन, काटन जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आगे फिर आपका कमाद है, कमाद को हम मेंटेन करेंगे, जो ऐड करेंगे वो शुगर बीट, एक मिलियन एकड़ हम शुगर बीट ऐड कर रहे हैं। आपकी जो शुगर मिलें इस वक्त इनके पास, इन्होंने सारे ने बिजली पैदा करने की कोशिश की है, आजकल गवर्नमेंट बिजली खरीद नहीं रही है इनसे। अगर जब इनकी शुगर मिलें बंद होती हैं शुगर से, तो उस वक्त मैच्योर हो जाता है आपका शुगर बीट जो मैच्योर हो जाता है, तो उस वक्त शुगर बीट पे ये मिल चला दें, कोई 25-30 करोड़ रुपए से मशीनरी ऐड हो जाती है शुगर बीट, वो हम मिलों को बुला रहे हैं कि आप आएँ, हम आपको सपोर्ट करते हैं।